Hey homies, welcome back to our channel Lightning Gaming Strikes। तो कैसे हो आप सब? वैष्णो भाई ने कमेंट किया कि भाई मिर्च के साथ एक गेम प्ले लाओ, तो हमने बोला क्यों नहीं भाई, आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। और हम आ गए हैं मिर्च के साथ फिर से, यानी कि हम शायद सेकंड टाइम है ये जब मिर्च लॉन्च हुआ है, उसके बाद से कोई गेम प्ले नहीं लाए हैं मिर्च का, तो ये सेकंड टाइम है जब मिर्च का हम गेम प्ले ला रहे हैं। तो हम लोग आज कुछ अलग करेंगे मिर्च के साथ, जो कि शायद कई लोग कर चुके होंगे और कई बार हमारे साथ भी हो चुका है कि मिर्च की जो स्पेशल एबिलिटी है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपने मैक्सिमम कितना डैमेज लिया है। मैंने तो यार इसका 75% डैमेज लिया है मैक्सिमम, स्टैकिंग बूस्ट 75% तक, क्योंकि मैंने तीन शायद दे दिए थे स्पेशल मूव्स, उसके बाद मैंने को 75% मिला था। और उसके बाद मैंने जब अपोनेंट को फिनिशर दिया था ना, सीधे उसने 1000 का डैमेज दिया था फिनिशर ने, लगभग शायद 1000 ही था, थोड़ा कम रहा होगा याद नहीं। तो बहुत ही अमेजिंग एबिलिटी है, लेकिन चलो आज यूज़ नहीं करेंगे, देखेंगे मैचेस जीत पाते हैं या नहीं। तो चलते हैं फर्स्ट मैच में, मैच फाउंड और अगेंस्ट में हमारे मिस के कौन आएगा, फ्रॉम हॉलीवुड कैलिफोर्निया डी एलिस्टर डिमिस एंड इज जे एडी गोरेरो, बेस्ट एवर एक्रोबैट सुपरस्टार इन WWE अनडिफीटेड। ओके, ब्लॉक का काउंटर, बेहतरीन सा काउंटर किया हमने, पंचिंग कॉम्बोस हमारे कनेक्ट, उसके बाद बहुत सही बेहतरीन सा मूव दे रहे हैं हम लोग यार, एकदम बिल्कुल तड़ी पार वाले मूव्स। ओके हमारे, अरे यार ये अब गलती कर दी हमने, बहुत बड़ी गलती कर दी, ये मूव मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ, लेना ही पड़ता है शोबोट में, और कोई है नहीं यार, मतलब इतना देर तक कौन बना रहता है ब्लॉक करके, ये तो मतलब यही है कि आप एल मुझे मार वाला स्टाइल है। पर कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम कवर अप कर चुके हैं इस चीज़ को, इसके शोल्डर स्मैश के बाद ये कनेक्ट हो नहीं पाया हमारा। ओके थ्री एनी गोस टू, और उसके बाद ये तीसरा बेहतरीन एनी गोस। तो इसके बाद हम काफ़ी देर कमर का मसाज कराएंगे नीचे जमीन में, फिर से आ बैल मुझे मार ले भाई, मार दिया रेडी कर रो ने, तो फेंका उठा के खिड़की नाच नचाएगा, शोल्डर ट्रैश लेके दीवार में, एकदम पेट की हड्डी छाती की हड्डी सब एकदम चरमरा रही होंगी, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, पीछे 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 रहने का, बच गया तुम भाई, बच गया एडी गेरेरो बच के और टेल देम ट्वाइस दैट यू आर द मिस द एलिस्टर। इसके बाद बेहतरीन काउंटर किया यार, अमेजिंग, मतलब मजा आ गया देखकर, इतना ओपी काउंटर, फिर से मूव दे। ओके दोनों के पास एक ही मूव, अरे डबल ब्लॉक, ओके पिछड़ के, यस इसके बाद हम देंगे इसको अपना रियलिटी चेक, और हम स्पेशल एबिलिटी यूज नहीं करेंगे, क्लब स्टॉम्प यानी पेट पचाओ शॉट, मैच ओवर, सॉरी फर्स्ट राउंड ओवर, फर्स्ट राउंड हम जीत गए, काफ़ी आगे हैं मैच में फिलहाल, काफ़ी तो आगे निकलेंगे, हमारी भी हेल्थ थोड़ी बची है इस राउंड की, तो ये हो सकता है डेडलीस्ट मूव, बच गया, ये रोप थ्रो था या DDT, आई डोंट नो। ओके तो इस बार स्लिंग शॉट पावर बॉम्ब, उठ जा, इसके बाद रियलिटी चेक, अरे देना चाहिए था यार हमको ये क्या कर दिया, मैं मतलब सही में यार एकदम बिल्कुल भयंकर बघूड़ों की तरह खेल रहा हूँ, क्या मतलब यार, ऐसा कोई मारता है यार, सोचो यार, जब उसने ब्लॉक किया तब मैंने दिया नहीं अपना ग्रैपल, अब जब उसने फिर ब्लॉक किया तो मैंने स्ट्राइक दे दी, क्या ही बोलना, तो उस वजह से ये हमारा एक राउंड हमारा चला गया है, कोई बात नहीं, ये कनेक्ट हुआ, वैसे कनेक्ट होता है तो डैमेज काफ़ी दे जाता है, यस स्कोर क्रशिंग फिनाले, बेहतरीन सा ओपी मूव मिस का फिनिशर, इसके बाद इसका भी होगा फिनिशर रेडी 100% होगा, यस फ्रॉग स्प्लैश फ्रॉम द एपिक एक्रोबैट एडी गेरेरो, तो भाई एडी गेरेरो एकदम पेट पे कूदते हुए कूदी मारते हुए हमारे पेट पे, और इसके बाद फिर एक मूव एमी गोज, भाई साहब अब ये कमर मसाज कराएंगे मिस भैया नीचे जमीन में लेट के थोड़ी देर, ओह बहुत दर्द हो रहा भाई, कोई बात नहीं उठो यार, अभी बहुत टाइम बाकी है, जीत सकते हैं मैच को हम यार, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने का मैच, थोड़ा सा कंसंट्रेट, नहीं तो अब गया मैच हाथ से, ये गया अब खत्म, मैच पूरी तरीके से एडी गेरेरो के पलड़े में है, उसके पलड़े से मैच निकालना बहुत ही मुश्किल हमारे लिए, सारे मूव्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये बच गया भाई बच गया, इसके बाद हम लगाएंगे स्लिंगशॉट पावर बम्ब के साथ मैच खत्म। तो यार भाई साहब उसके पलड़े से मैच ले आना यहाँ पे बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम लोग मैच ले आए, तो काफ़ी अच्छा रहा यार ये मैच, तो हम लोग फर्स्ट मैच जीत गए हैं बिना एबिलिटी को यूज करे, तो ये डेक थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो यहाँ से ब्लॉक मूव हम चेंज करेंगे,
कर्ब स्टॉम की जगह उठाते हैं हम स्नीकी स्लैप ले लेते, सॉरी डोरमैट, डोरमैट हमको अच्छा लगता है ज़्यादा। और इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे ब्लॉक लें या फिर ब्लॉक ना लें, कर्ब स्टॉम भी ले लें क्या, या फिर स्नीकी स्लैप ले लेते हैं। यस, स्नीकी स्लैप ले लिया हमने और मैच को स्टार्ट किया। सो नेक्स्ट मैच हमारा है मिल्स भाई साहब रैंडी सैवेज के सामने, द हाइप मास्टर। वैसे अगर इसको नर्फ नहीं किया जाता तो समझ लो कितना ओपी सुपरस्टार होता है ये भी, मतलब हल्क को भी मात दे सकता था, इतना ओपी सुपरस्टार है। ओके, बट कितने लोग आप एग्री करते हो कि हल्क को नर्फ करना चाहिए यार, जैसे एडी गरेरो को किया, उसके बाद इसको भी किया, मतलब पहले रैंडी सैवेज को किया फिर एडी गरेरो को किया, तो हल्क को भी करना चाहिए यार, अपडेट्स में लागना चाहिए इसको नर्फ। तो फिलहाल रियलिटी चेक बेहतरीन था। अब बराबरी में मैच नहीं करूंगा स्ट्राइक का यूज, अब करूंगा मैं रियलिटी चेक का यूज। ये धाम से नीचे गिराया फिर उठाया, इसके बाद हाई, ओ भाई बहुत ही बेहतरीन हाई भाई, अब ये कंधा तोड़ेगा मेरा पूरा, एकदम कंधे से बल गिरता है तो पूरा एकदम छाती चमरा आ जाती है अपनी, कोई बात नहीं, टेल देम ट्वाइस यू आर रियलिटी चेक मास्टर मेज डोरमैट, मतलब छाती बेइज्जती शॉट है छाती से चढ़ के जाते हुए हम लोग। फिर से दोबारा बताओ, इन लोगों को समझ ही नहीं आया दोबारा बताने का, पीछे आने का, फर्स्ट राउंड जीतने का। तो पहला राउंड हमने फिर से आसानी से जीत लिया है, हाइप मास्टर बहुत पीछे है, ट्रेन आ गई बच गई, ट्रेन नहीं आ पाई, नहीं तो बहुत बुरा हाल होता हमारा। डैमेज एक बार और ब्लॉक एंड यस, बेहतरीन से कनेक्ट हुआ हमारा मूव, यार ये कनेक्ट क्यों हुआ, दोनों ने एक साथ यूज़ किया था बट आई डोंट नो कैसे कनेक्ट हो गया हमारा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये टेल देम ट्वाइस हमारा, उठ जा भाई उठ जा, हाइप रेडी, नहीं बच गए, अरे यार ये अब कंधा तोड़ देगा बहुत बुरी तरीके से, मारेगा कंधे में हमारे, ये देखना ये धड़ाम, बहुत बुरा असर हुआ है हमारे कंधों पर, सर्जरी होके आ गए हम लोग फिर से। अभी ये उठेगा फिर से कंधा मारेगा अपने को, फिर से कंधा मारेगा, हमको पता था कंधा ही कंधा मारेगा। और मैच फर्स्ट राउंड वो भी जीत गया है, वैसे तो काफ़ी पीछे था हमसे लेकिन हमको बहुत, मतलब आगे ले आया अपने आप को, वो हमसे बहुत पीछे था। फिर से यार ये कंधे पे कंधे तोड़े जा रहे हैं यार, कितनी बार सर्जरी करवाऊँगा भाई, छोटा दुबला पतला आदमी हूँ तो इतना भी कंधा मत तोड़ो फिर, समझ रहे हो यार, थोड़ा रहम भी कर दो हम पर। अरे रहम का तो नाम ही गलत ले रहे हो, रैंडी सैवेज से वो भी, ये लो भाई अभी तक कंधा का तोड़ रहा था तुमने कंधे को मना कर दिया, तो अब वो पेट की हड्डियां तोड़ रहा, छाती की हड्डियां तोड़ रहा, छोड़ो यार इनसे उम्मीद ही क्या करना। तो रैंडी सैवेज पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल छाए हुए मैच में, फिर से अपनी रैंडी ट्रेन आ गई है, तो रैंडी ट्रेन ने इस बार अटैक कर दिया बेहतरीन तरीके से। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हाइप देना, हमको वही देना पड़ेगा, एंड हाइप साहब गजब, इसको कहते हैं गजब बेइज्जती शॉट, मतलब सीधे काउंटर के और मैच खत्म किया। तो भाई ये डेक हम पर भारी पड़ गया बहुत बुरी तरीके से, ये हमने उम्मीद भी नहीं की थी हम इस मैच को हार जाएंगे ऐसे जा करके। तो रैंडी सैवेज से हार के अपने बेइज्जती और कंधे तोड़वा के अब आए हम गेम ट्रिपल एच, बहुत दिन बाद कोई अपोनेंट ट्रिपल एच मिला है हमको, और भाई आते ही अपना ब्रॉलरनेस दिखाने लग गया वो कि मैं ब्रॉलर किस काम का हूँ। तो जंपिंग नी तो नहीं है तुम्हारे पास अभी, कहीं गलती से रखे हो बगल बगल में, निकाल दो फेंक के मार दो। ओके, रनिंग नहीं है, यस बहुत बढ़िया डीडीटी दी है तुमने, वॉल बाउंस की डीडीटी नहीं, वॉल स्प्लैश। ओके, स्लिंग शॉट नहीं लगने दोगे, रियलिटी चेक तो दे, बच गया, बोला था नहीं होगा इसके पास, जंपिंग नहीं, ओए बच गया भाई, बहुत बुरा बचा मैं, बहुत ही बेहतरीन बचा दी गेम के सामने। ओके, ये हमने किया बेहतरीन सा स्लिंग शॉट पावर बॉम्ब, डोर मैट छाती मैट, अभी पीछे आ रहा है। ओके, अरे यार कनेक्ट क्यों नहीं हो, काफी बार तो हो जाता है, इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जमीन में लिठा के मारा मुंह पे मुक्का, जंपिंग नहीं, इसी का इंतजार, ओ भाई पेडिग्री यार, सेट वाली से मूव देता था कितना मजा आता था, मगर ट्रिपल एक्स से सीखा है सेट वॉलिस ने अपना अलग ही जात किया, आई डोंट नो, मगर अब वो हेड स्टॉप देने लग गया है। और हमारा जो फिनाले है स्कल क्रशिंग फिनाले, वो भी आ गया है, इसके साथ छाती बेइज्जती शॉट,
तो इसके बाद स्नीकी स्लैप हमारा रेडी है, दे नहीं सकते हम, क्यों? क्योंकि रनिंग नहीं रेडी है भाई। तो हम बहुत ही पिछड़ गए इस मैच में, जिस तरह पिछले मैच में रैंडी सेवेज पिछड़ा हुआ था और उसने बेहतरीन कमबैक कर दिया आखिरी में, वैसे ही हम भी इस मैच में पिछड़े हुए हैं। होप सो कि हम कमबैक कर लेंगे, बच गए। और यहाँ पे हम देंगे स्लिंग शॉट पावर बॉम्ब टू द गेम। तो गेम ट्रिपल एच, अभी अपना गेम खेल रहे हैं मोबाइल में, एंड्रॉयड में, इसलिए गेम के सामने गेम नहीं खेलना है हमको। फिर से रियलिटी चेक फ्रॉम द मेन सुपरस्टार। ओके पीछे आगे ब्लॉक यूज नहीं करने का भाई, क्योंकि हम रियलिटी चेक मास्टर टीम इज। तो अभी हमारे पास छाती बेइज्जती शॉट है, मगर हाइप भी रेडी है, तो हमको बस संभल के एक बार यूज करना है, बस एक बार और कनेक्ट हो जा, बस कनेक्ट हो गई और मैच खत्म। मैच ऐसे खत्म कि हमारे पास छाती बेइज्जती शॉट है, उसी के साथ हम मैच खत्म कर देंगे। सो आई होप यार आप लोगों को मजा आया होगा, तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना। तो गुड बाय उमेश, कीप स्माइलिंग, और हाँ कमेंट करना न्यू चैलेंजेस, तब तक के लिए बाय।